तो भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को मनाता है। वहीं भारत 15 अगस्त को ही हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब कोई जनगणना नहीं हुई थी, लेकिन 1951 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट उस समय 18.33% के आसपास थी। मतलब तब पूरे भारत में केवल 18.33% लोग ही लिखना और पढ़ना जानते थे। पाकिस्तान के हालात भी उस समय वैसे ही थे, आखिरकार दोनों एक ही देश का हिस्सा जो थे। कुल 16.9% लोग ही उस वक्त पाकिस्तान में लिख या फिर पढ़ सकते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति बेहद ही अलग है। भारत ने जहां शिक्षा के क्षेत्र में बेहद ही तेज गति से काम किया, वहीं पाकिस्तान उसका मुकाबला समय के साथ नहीं कर पाया। वर्तमान में भारत की साक्षरता दर 75% से भी ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान की लिटरेसी रेट तकरीबन 58% ही है। और साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि भारत की जनसंख्या पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, फिर भी भारत का साक्षरता दर पाकिस्तान से काफी ज्यादा है। वहीं भारत में आजादी के बाद कई डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स की चेन बनाई गई, जैसे कि IITs, NITs, IIITs, IIMs और एम्स वगैरह, जो कि दुनिया की टॉप 100 से 500 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में आती हैं। वहीं भारत में बेंगलोर में स्थित एलियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दुनिया की टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स के अंदर आता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसी कोई डेडिकेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की चेन मौजूद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इस पर इन्वेस्ट ही नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी टॉप यूनिवर्सिटीज भी दुनिया की 100 या 500 यूनिवर्सिटीज में कहीं दिखाई नहीं देती। अब अगर किसी देश के डेवलपमेंट के बारे में जानना हो तो जीडीपी का जिक्र ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। 1960 के दशक में पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन 3.7 बिलियन US डॉलर थी, जबकि भारत की जीडीपी उस समय 37 बिलियन डॉलर्स के आसपास थी, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में पाकिस्तान उस समय भारत से आगे था। और उस दशक में ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के हालात भी भारत से अच्छे थे, लेकिन आज की मौजूदा भारत की जीडीपी पाकिस्तान को कहीं भी टिकने का मौका नहीं देती है। 2019 में पाकिस्तान की एस्टिमेटेड नॉमिनल जीडीपी 284.214 बिलियन डॉलर्स के आसपास होगी, जो कि दुनिया में 42वें नंबर पर है। वहीं 24वें नंबर के साथ पाकिस्तान की एस्टिमेटेड PPP जीडीपी यानी कि परचेस पावर पैरिटी तकरीबन 1.202 ट्रिलियन US डॉलर्स के आसपास है, और इस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन 3.3% की दर से बढ़ रही है, जबकि भारत की नॉमिनल जीडीपी 2019 में 2.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2.936 ट्रिलियन डॉलर्स तक हो गई है, जो कि भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। वहीं भारत सरकार ने इसे 5 ट्रिलियन US डॉलर्स तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वहीं भारत की परचेज पावर पैरिटी जीडीपी इस वक्त 11.326 ट्रिलियन US डॉलर्स के आसपास है, जो कि पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। और इस वक्त भारत की जीडीपी कुल 6% की दर से बढ़ रही है, जो कि फिलहाल पिछले साल के मुकाबले कम है। पाकिस्तान के इस हालात के जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं खुद भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर इस वक्त विदेशों का बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, और पाकिस्तान का काफी पैसा सिर्फ उस कर्जे की किस्त को ही जमा करने में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ही वो अकेला देश है जिस पर विदेशों का कर्जा हो, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात और उसकी अर्थव्यवस्था उसके इस कर्जे की रकम को उसके लिए मुश्किल बनाता जा रहा है। और खुद को पाकिस्तान का दोस्त कहने वाला चाइना भी इस वक्त पाकिस्तान का खूब जमकर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को खुद को इस हालात से निकालने के लिए जल्द ही बड़े और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। 1947 से 2019 में दोनों देशों ने भले ही तरक्की की हो, लेकिन एक चीज जिसमें आज दोनों देश बेहद ही खस्ता हालत हैं, वो है प्रदूषण। भारत हो चाहे पाकिस्तान, दोनों ही देशों में प्रदूषण की मात्रा 1947 के मुकाबले बेहद ज्यादा हो चुकी है, जो धीरे धीरे लोगों की जीवन शैली और आयु को भी कम करती जा रही है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 15 भारत के हैं। वहीं वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार
एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और कॉन्टेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर जैसी परेशानियां पाकिस्तान में लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये चीज दोनों ही देशों के लिए सोचने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही देशों के भविष्य को बेहद ज्यादा प्रभावित करेंगे। अगर बात करें दोनों ही देशों में जनता की हालातों की, मतलब उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, तो वो दोनों ही देशों में इतना अच्छा नहीं है। दोनों ही देशों के बड़े शहरों में तो लोगों की जिंदगी कुछ हद तक सही है, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के हालात दोनों ही देशों में अच्छे नहीं है। किसी भी देश के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जरिए नापा जा सकता है, जिसमें भारत का 130वां और पाकिस्तान का 150वां नंबर है। मतलब भारत के हालात पाकिस्तान से तो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के मुकाबले दोनों ही देश बेहद पीछे हैं। अब अगर बात करें 1947 के मुकाबले आज की दोनों ही देशों की मिलिट्री यानी कि आर्मी के पावर की, तो भारत इस मामले में भी पाकिस्तान से कई गुना आगे है। बिजनेस इंसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और शक्तिशाली मिलिट्री फोर्स है, जबकि यहाँ पर पाकिस्तान 15वें नंबर पर है। जबकि भारत अपनी जीडीपी का तकरीबन सिर्फ 1.6% हिस्सा ही अपने डिफेंस पर खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान तकरीबन अपनी जीडीपी का 4.5% हिस्सा अपने डिफेंस पर खर्च कर रहा है। देश की सुरक्षा के साथ साथ भारत ने देश की रेलवे पर भी बेहद सुधार किया है। रेलवे एक ऐसी चीज है जिसको सीधा कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है, क्योंकि रेलवे सबसे पहले ब्रिटिश द्वारा ही भारत में तब शुरू की गई थी जब हम आजाद नहीं हुए थे, मतलब जब भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे। भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त 10,726 किलोमीटर के आसपास की रेलवे लाइन पाकिस्तान को मिली थी, वहीं 50,000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा की रेलवे ट्रैक पूरे भारत में थी। ये डिवीजन सही भी था क्योंकि भारत पाकिस्तान से काफी बड़ा था, लेकिन आज 2019 के मौजूदा हालात बेहद ही अलग हो चुके हैं। आज तकरीबन 1,25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैक लेंथ के साथ भारतीय रेलवे साइज दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेलवे साइज है। 1984 में भारत ने सबसे पहले मेट्रो ट्रेन को शुरू किया था और आज भारत के 11 शहरों में वेल कनेक्टेड मेट्रो सिस्टम है और 15 से भी ज्यादा शहरों में इसका काम चालू है। और कुछ ही सालों में भारत में बुलेट ट्रेन और हाइपरलूप जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज और हाई स्पीड ट्रेन भी देखने को मिल सकती हैं। वहीं पाकिस्तान रेलवे साल 1947 के बाद से अभी तक ज्यादा नहीं बदली है। हाँ, कुछ नई ट्रेन और स्टेशन पाकिस्तान रेलवे ने जरूर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लेकिन जहां तक बात है मॉडर्न और हाई स्पीड ट्रेन की, तो उसमें पाकिस्तान अभी भी काफी पीछे है। पाकिस्तान में अभी भी उनकी पहली मेट्रो ट्रेन आनी बाकी है, जिसका कंस्ट्रक्शन फिलहाल लाहौर में चल रहा है, जो कि ऑरेंज कलर कोडेड मेट्रो ट्रेन होगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट काफी समय से डिले होता जा रहा है। तो चलिए, जमीन का कंपैरिजन तो हमने कर लिया, अब वीडियो को खत्म करने के लिए चलते हैं अंतरिक्ष में, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक भी है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ही अपनी अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन दोनों का कंपैरिजन करना मेरे लिए अभी थोड़ा मुश्किल होगा। 1961 में पाकिस्तान ने चाइना की मदद से अपनी स्पेस एजेंसी सुपारको को स्थापित किया था, जिसने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट रहबार 1 इसरो के स्थापित होने से कई साल पहले ही लॉन्च कर दिया था। वहीं भारत ने 1969 में 1962 में स्थापित इनकॉस्पर को बदलकर इसरो का नाम दिया था और 1969 में ही एक तरीके से इसरो स्थापित हुआ था, जिसने अपनी पहली सैटेलाइट सोवियत यूनियन की मदद से साल 1975 में भेजी थी। अगर आपको भारतीय और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का पूरा कंपैरिजन देखना है, तो मैंने इसके लिए अलग से पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसे आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, जहां से आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। अगर वर्तमान की बात करें तो सुपारको के बाद शुरू हुआ इसरो आज उससे कई साल नहीं बल्कि कई दशक आगे है। आज भारत के पास खुद के कई तरह के लॉन्च व्हीकल्स मौजूद हैं। इंटरप्लेनेटरी और मैक्सिमम सैटेलाइट्स को एक ही रॉकेट में लॉन्च करने जैसे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इसरो ने अपने नाम कर रखे हैं। वहीं सुपारको आज तक अपनी खुद की एक लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी भी नहीं डेवलप कर पाया,
और अपने खुद के लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने का टारगेट उन्होंने 2040 का रखा है। खैर, दोनों ही देश उनके निवासियों के लिए बेहतर होंगे। मैंने यहाँ किसी भी देश को नीचा या ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से मैंने कई जगह पर उन रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया जिनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है। आप चाहे कहीं से भी इस वीडियो को क्यों ना देख रहे हो, अंदर से आपको भी पता है कि जो इस वीडियो में बताया गया है वो पूरी तरह से सच है, ना कि किसी को छोटा दिखाने की कोशिश। पाकिस्तान और भारत 1947 से लेकर 2019 तक कितना बदले हैं, वो सब जितना मुझे रिसर्च में मिला मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप बताइए कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।